हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अभिषेक अग्निहोत्री, योर मार्केटिंग टीचर फ्रॉम स्प्रिंगडेल कॉलेज पीलीभीत। आई वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल। इन प्रीवियस सेशन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, वी लेफ्ट एट द हैडिंग टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। एंड नाउ इन टुडेज सेशन we will discuss about difference between interest and abilities. Okay, ki interest kya hota hai aur ability kya hoti hai, there is a broad difference in between two words. Here are few questions that can help you to find out your strength and weaknesses. How am I different from others? Main dusron se alag kis tarah se hu? How do I better than others? Main dusron se kin kin cheezon mein acha hu? What do other people admire in me? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग मेरी तारीफ करते हैं? What make me stand out? मुझे special कौन कौन सी characteristic बनाती हैं? मैं बाकी लोगों से किस तरह से different हूँ? Okay, and in red figure you can see there are some more questions. Where do I worry and struggle? किस किस बात में मुझे टेंशन रहती है या फिर मुझे प्रॉब्लम आती है, किन किन एक्टिविटीज़ में? वेयर, हाउ एंड व्हाई डू अदर्स परफॉर्म बेटर देन मी? बाकी लोग जो हैं वो मुझसे किन किन फील्ड्स में ज़्यादा अच्छा, बेटर परफॉर्म करते हैं? व्हाट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स? दूसरे लोगों से मुझे कौन कौन सी चीज़ों के बारे में सजेशंस या एडवाइसेस मिलती रहती हैं जिन पे मुझे वर्क करना है? तो आप अगर ब्लू कॉलम की बात करें तो ब्लू कॉलम के आंसर्स जो भी होंगे दैट विल बी पुट इन योर स्ट्रेंथ कॉलम। ठीक है, ब्लू बॉक्स में जो भी क्वेश्चंस दिए हैं वो आपके स्ट्रेंथ कॉलम में रखे जाएंगे, एंड रेड बॉक्स में जो क्वेश्चन दिए हैं दैट विल बी योर वीकनेस। ओके, दीज रेड पार्ट्स आर those areas where you have to improve. Okay, now coming to difference between interest and abilities. Interest are the things that we enjoy of doing. जिन चीज़ों को करने में हमें अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? हमारे इंटरेस्ट होते हैं। ओके, एक्टिविटीज़ यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक्स यू हैप्पी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो आप अपने फ्री टाइम में करना पसंद करते हैं और आपको उसे करके खुशी मिलती है। Activities you are curious about or would do even if no one asked to do, ऐसी activities जिसके बारे में आप खुद ही interested रहते हैं और अगर कोई आपसे ना भी कहे तो भी आप उन activities को करते हैं, जैसे game खेलना, जैसे singing करना, okay, dancing, gardening, cooking, all these habits are in some people that make them happy to do, so these are your interests. ओके, समटाइम्स इंटरेस्ट मे नॉट मैच विद एबिलिटीज। इन दोज केसेस यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज और फॉलो सम अदर पाथ। कभी कभी ऐसा होता है जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं वो हमारी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव नहीं करती। ओके, हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट की चीज़ें अलग हों और एबिलिटी के जो पॉइंट्स हैं वो अलग हों। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू मे like cricket as a interest but you may not be good at playing the game. आप cricket खेलने में उतने अच्छे नहीं हो सकते हैं जितना कि आपको cricket खेलना अच्छा लगता है। okay, so you should do work on that part of your interest. You should make it as your ability. In that case just play for fun but do not aim to make career in the cricket. okay, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने गेम को इंटरेस्ट में तो रखना चाहिए बट उसे अपना कैरियर बनाने के लिए नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज यू आर नॉट गुड एनफ टू प्ले क्रिकेट। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। आई एंजॉय वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, दीज आर द इंटरेस्ट। I feel comfortable around new people. So students, this is a worksheet that you have to do in your notebook after watching this.
ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसे देख के आप लोगों को कॉपी पे नोट करना है और इसका आंसर यस और नो के लिए एक कॉलम दे रखा है इसी टेबल में, उसे आपको टिक करना है। ओके, आई एंजॉय वर्किंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल, आई लव टू मेक न्यू फ्रेंड्स, आई फील कंफर्टेबल अराउंड न्यू पीपल। ओके, आई लाइक लिसनिंग टू पीपल हु हैव थॉट्स डिफरेंट देन माइन, I like to report the problem in my locality to the municipality or panchayat. I like responding to people enthusiastically. I like organizing event and I like to resolve conflicts. Okay, so these are the questions you should ask yourself that you are better in these habits or not. आप इनमें अपने आप को कहाँ पाते हैं? If you are able to do all these things or not. Second table is there which shows your interest. I like working with tools, yes or no. I enjoy making things with own hand, चीज़ों को अपने हाथ से बनाने में आपको अच्छा लगता है, yes or no. I like to move around a lot, मैं घूमना पसंद करता हूँ अलग अलग जगहों पे, yes or no. I like to use gestures and non-verbal cues when I communicate. ज़्यादातर जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो अपने gestures का या facial expressions का use करते हैं, yes or no. I like to learn by doing. You are interested and you are keen to perform any activity rather than just go through the study material of this subject. I like playing sports every day. I like assembling part of instrument and machine using instructions. तो इस टेबल में अगर आपको जो जो पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लगता है एंड यू डू बाई योर सेल्फ यू कैन टिक एट येस एंड अदरवाइज यू विल टिक एट नो. थर्ड टेबल इज आई एंजॉय लर्निंग अबाउट नंबर्स, आई लाइक टू डू एक्सपेरिमेंट्स एट होम, I like my things to be organized. I like to see a pattern or logic in everything which is happening around me. I like to save out my pocket money. I enjoy collecting coins or stamps. I like to make and follow a plan. Okay, all these things you can see, these can be interest, but these cannot be your abilities. Okay, collecting coin, that can be your interest, but it is not your ability. Okay, this cannot be your strength. Fourth group, by asking these questions you can find out that which are your interest. I like giving direction to people, logon ko direction dena ya fir instructions dena. Number 2, I want to learn new concept and express my ideas visually. I enjoy creating new product design. I prefer pictures over text in a magazine, ये मुझे अच्छा लगता है. I enjoy drawing, painting करना अच्छा लगता है. I like solving jigsaw or visual puzzles. I like redecorating the room or fun. I enjoy working with different colors. So these all questions we discussed above, telling us that what are the areas of interest that we are having. Okay, now in next worksheet you can find out some questions by which you can be able to assess your abilities. I can resolve problems between friends, main do doston ke beech mein agar koi problem hai to use resolve karne mein saksham hu. Theek hai, to aapki ye ability hai, you are a team worker and you are a good counselor too. People seek my advice, लोग मेरी advice लेना चाहते हैं किसी भी matter के बारे में, then this is your ability. I am good at organizing events, किसी event को करवाने में अगर आप अच्छे हैं then this is your ability that you are a good organizer. People call me good listener, I make new friends easily and I can work with group of people. So all these traits tell you that you are a leader and you can work among a team of different people. Next sheet
tells you about your abilities too. I am good at athletics or sport. This is your ability. Yes, I am physically active. I learn better by doing. चीज़ों को करके सीखने में आप बिलीव करते हैं. आई हैव अ सेंस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. ओके, सो ऑल दीज क्वेश्चंस इफ यू टिक, इफ यू फाइंड दैट येस दीज आर द थिंग्स आई एम पजेसिंग, देन यू कैन से यू हैव गुड एबिलिटीज इन योर सेल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई कैन असेंबल पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट और मशीन बाई फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस. आई वर्क well with tools. I use a lot of gestures and non-verbal communication with people. I can make things using my hands. I can move around a lot. मैं कई जगहों पर घूमना पसंद करता हूँ. ठीक है, तो ये सारे questions आपको ये बताते हैं that what are your strength and what are your abilities on the ground of which you are a better person. Next chart you can see on your screen. I plan my activities for the day. I keep my things in a order. I see logic in things that happen around me. I save some percentage of my pocket money. I conduct a variety of experiment at my home. I can quickly calculate the total of the list. I follow a step by step approach to solve a problem. तो इन सारे questions में आपका answer अगर yes है तो आप खुद ही analyze कर सकते हैं कि ये जो characteristics होती हैं ये किसकी होती हैं. किसी चीज़ को plan करके चलना, चीज़ों को order में लगाना, ठीक है, जो भी चीज़ें आसपास हो रही हैं उसे analyze करना, चीज़ों को quickly analyst कर देना या फिर उसका total जल्दी कर लेना. So these all are managerial ability that one should have if you want to become a successful manager. अगर आप में ये सारी abilities हैं that this can help you in your career also. So these will be characterized as your abilities. Next there is a group of 7 questions. Again we will go through them. I am good at solving jigsaw puzzle. I can give clear and precise direction. I draw well. I look at pictures in magazine then reading the text. I learn concepts and express my idea visually. I can play football well. I can make models. Okay, so you will see if you have all these abilities in yourself, then the person who is having these abilities can say that I am a good leader or I am a creative person. किसी भी person के अंदर अगर ये abilities हैं तो आप कह सकते हैं you are a creative person and you can pursue your career as a creative field. Now the next part of this video is grooming. Dressing refers to clothes you wear. Dressing से आप जो idea लेते हैं वो किसी के clothes को पहनने के तरीके से लेते हैं. Grooming is the process of making yourself look neat, tidy and clean. अपने आप को presentable बनाना ही क्या होता है, grooming होता है. अपने आप को दूसरे के सामने presentable बनाना. Okay. Grooming is important because it helps us. Grooming किस लिए important है हमारे लिए? It helps us to look neat and clean. ये हमें साफ दिखने में help करता है और confident feel कराता है. It make us to feel confident about ourselves. अगर हम लोग साफ रहते हैं या फिर अपनी personality को अच्छे से maintain करके रखते हैं then it makes us confident among a group of people. Make a good impression of ourselves on others, including customers. If you are a marketing person, then it is very important for you that you should be presentable in front of other people because they make a good impression about yourself in their mind after meeting with you. Okay, so about grooming in detail, we will discuss in next session because it is a separate part of topic. So we will cover it in next session.
I hope you are clear with the difference between abilities and interest. Interest वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपको करना अच्छा लगता है, और abilities वो चीज़ें होती हैं जो आपको आपके career में या फिर एक better person बनाने में help कर सकती हैं. Okay. So, guys, go through the video and watch the complete video to have an overview. Till then, take care. Thank you.